वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बल आघूर्ण। बल आघूर्ण के बारे में जितने भी टॉपिक आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक में दिए हैं, सारे टॉपिक को कवर करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। एक बात और मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, यदि आप किसी भी चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपसे फंसेगा नहीं। तो प्रत्येक चैप्टर को मैं आपको कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, देखते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक आपका होता है बल आघूर्ण। तो सबसे पहले आपको समझना है बल आघूर्ण क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है एफ इंटू डी। ए बल आघूर्ण बराबर होता है, तो बल आघूर्ण क्या हो गया, बल आघूर्ण आपका हो गया बल तथा उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा तक की जो लंबवत दूरी होती है उसे बल आघूर्ण बोलते हैं। यानी बल आघूर्ण जो होता है, बल और क्रिया रेखा की लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है उसको हम बल आघूर्ण बोलते हैं। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब इसके मात्रक की बात करें कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, यानी बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और आपसे बनता है, यदि बल किसी पिंड को वामावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो वहाँ पर आपको बल आघूर्ण पॉजिटिव लेना है। कब, जब बल किसी पिंड को वामावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो वहाँ पर आपको बल आघूर्ण प्लस लेना है। यदि वहीं पर बल पिंड को दक्षिणावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो वहाँ पर आपको बल आघूर्ण माइनस में लेना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि आघूर्णों का नियम क्या होता है। तो आघूर्णों का नियम प्यारे दोस्तों ये होता है कि जो वामावर्त आघूर्णों का योग होता है वह दक्षिणावर्त आघूर्णों के योग के बराबर होता है। वामावर्त आघूर्णों का योग दक्षिणावर्त आघूर्णों के योग के बराबर होता है, यानी संतुलन की स्थिति में होता है, यही आघूर्ण का नियम है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है समांतर बल। तो समांतर बल क्या होता है, समांतर बल दो प्रकार के बल होते हैं। एक आपका होता है समदिश समांतर बल, एक आपका होता है अदिश समांतर बल। तो आप टॉपिक से ही समझ जाएंगे कि समदिश समांतर बल क्या होता है। समदिश समांतर बल का सेंस ये होता है कि उनकी क्रिया रेखाएं समांतर तथा एक ही दिशा में होंगी। क्रिया रेखाएं समांतर तथा एक ही दिशा का सेंस है कि इस टाइप से आपका होगा, क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर, मान लीजिए एक क्रिया रेखा है, एक दूसरी क्रिया रेखा है, तो एक दूसरे के समांतर होने के साथ साथ एक ही दिशा में होंगी, तो उसे हम बोलेंगे समदिश समांतर बल। लेकिन यहीं पर यदि क्रिया रेखाएं समांतर तो हों, लेकिन विपरीत दिशा में हो, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा विपरीत अदिश समांतर बल। यानी समदिश समांतर बल में क्रिया रेखाएं एक ही दिशा में होंगी और जो अदिश समांतर बल होगा उनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बलयुग्म। बलयुग्म प्यारे दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए ये आपका कोई पिंड है, यदि किसी भी पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हों लेकिन विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। ए पिंड है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है, दो पॉइंट मैंने ले लिया एक पिंड पर, तो एक बल आपका इधर कार्य कर रहा हो और एक बल आपका इधर कार्य कर रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक ही पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में और समान बल होंगे, यानी यह बल ए होगा तो यह बल ए भी होगा। कंडीशन ये है कि बलयुग में क्या होता है, बलयुग में वो होता है, मान लीजिए कोई आपका पिंड है, इस पर दो पॉइंट पर दो बल कार्य कर रहे हो लेकिन वो दोनों बल समान तथा विपरीत दिशा में होना चाहिए। यानी जब किसी पिंड पर दो बल दो समान बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं बलयुग। ओके, बलयुग में बराबर आपका होता है बल गुणे बलों के बीच की दूरी, यानी बल आपका एफ हो जाएगा और बलों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ होगा, मैंने मान लिया डी, तो यही आपका होता है बलयुग, बल गुणे बलों के बीच की दूरी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है उत्तोलक। उत्तोलक प्यारे दोस्तों क्या होता है, जो आपका उत्तोलक होता है एक सीधी अथवा मुड़ी हुई छड़ होता है। तो आपसे थ्योरी तो पूछा नहीं जाना है आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में, तो आइए समझते हैं प्रथम वर्ग का उत्तोलक। जो प्रथम वर्ग का उत्तोलक प्यारे दोस्तों आपका होता है
उसमें आलंब, आलंब के एक तरफ आपका होता है आयास, एक तरफ आपका होता है आयास और दूसरी तरफ आपका होता है भार। यानी प्रथम वर्ग के उत्तोलक में आलंब के एक तरफ आयास होता है और एक तरफ भार होता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ होता है वह एक से कम, एक से अधिक या एक के बराबर हो सकता है। यानी तीनों कंडीशन हो सकता है, एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर हो सकता है। जो प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है उसका एग्जाम्पल है जैसे आपका तुला हो जाता है, कैंची हो जाता है, प्लास हो जाता है, बच्चों के झूलने का झूला। एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि यांत्रिक लाभ होता क्या है, तो यांत्रिक लाभ जो होता है वो भार बटे आयास के बराबर होता है। भार बटे आयास का जो मान होता है वही आपका यांत्रिक लाभ होता है। तो प्रथम वर्ग का उत्तोलक आपको समझ में आ गया होगा कि यांत्रिक लाभ एक से कम, एक से अधिक, एक के बराबर होता है और इसमें आलंब के एक तरफ आयास और दूसरी तरफ भार होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। जो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होता है इसमें आलंब के एक ही तरफ भार तथा आयास दोनों होते हैं। मान लीजिए ये आपका आलंब है तो आलंब के एक ही तरफ भार भी होगा, भार W भी होगा और आयास भी होगा। यानी आलंब के एक ही तरफ भार और आयास, भार और आयास दोनों हो तो वहाँ पर आपको द्वितीय वर्ग का उत्तोलक हो जाता है। यानी आलंब के एक ही तरफ भार तथा आयास दोनों होंगे तो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होगा। जो द्वितीय वर्ग का उत्तोलक होता है इसमें यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है, सदैव एक से अधिक होता है। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाता है सरावता, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की गाड़ी इत्यादि। अब देखते हैं तृतीय वर्ग का उत्तोलक। जो तृतीय वर्ग का उत्तोलक होता है प्यारे दोस्तों, इसमें जो होता है इसमें भी आलंब के एक ही तरफ भार तथा आयास दोनों होते हैं, लेकिन आयास की अपेक्षा भार अधिक दूर होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक की अपेक्षा जो आपका आयास होता है वह भार की भार अधिक दूर पर होता है। यानी जो दूरी होती है भार और आयास के बीच वो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक की तुलना में तृतीय वर्ग में ज़्यादा होता है। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। जो तृतीय वर्ग के उत्तोलक का एग्जाम्पल आपका होता है वो आपका तृतीय वर्ग के उत्तोलक का जो आपका एग्जाम्पल होता है उसमें आपका आ जाता है हल, चिमटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका बनता है दोषयुक्त तुला से सही भार ज्ञात करना। तो दोषयुक्त तुला से सही भार ज्ञात करने के लिए सही भार W बराबर आपका हो जाता है W1 प्लस का W2 डिवाइडेड बाई 2। ये दोषयुक्त तुला के लिए सही भार का फार्मूला है W बराबर W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट एक पॉइंट और बनता है जब तुलाओं की भुजाएँ बराबर ना हो। मान लीजिए ये आपका तुला है, जब दोनों भुजाएं बराबर ना हो तो उस कंडीशन में जो आपका सही भार होगा उसमें आपको रूट ओवर ले लेना है W1 गुणे W2। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको भार समान ना हो और सही भार निकालना है तो W बराबर W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई 2 लेना है। जब तुला समान ना हो तो सही भार के लिए रूट ओवर W1 गुणे W2 लेना है। तो सारे टॉपिक को मैंने आपको कवरअप करवा दिया है। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो प्यारे दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरीके से समझ के पढ़िए, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।